बोलिए सतगुरु देव की जय। अभी हम सब बहुत ही अमृतमय विचारों को श्रवण कर रहे थे। सत्संग की श्रृंखला में मेरा ये भी निवेदन हुआ है, आज्ञापाल आप कुछ क्षणों के लिए थोड़ी सी बात प्रस्तुत है। एक बार की बात है, जैसे आजकल जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे बिल्डिंग बनते हैं तो उसका बनाने वाला एक ठेकेदार होता है, वैसे ही दो ठेकेदार थे, दोनों एक साथ मिल करके पार्टनरशिप में काम करते थे। काम करते करते बहुत साल बीत गया था, अचानक छोटे ठेकेदार को मन हुआ कि अब बहुत जीवन काम करते करते दौड़ा भाग करते करते आपा धापी करते करते जीवन बीत रहा है, कुछ समय जो बचा है अपने परिवार के साथ अपने जीवन को कल्याण के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊं, ऐसे ही कुछ सोच से वो बोला कि भाई साहब अब मैं चाहता हूं कि मुझे सेवानिवृत्ति दे दिए जाए, अब मैं ये सब काम धंधा छोड़ करके स्वतंत्र होकर के जीवन जीना चाहता हूं। उसने कहा ठीक है, आपको छुट्टी दे दी जाएगी। बड़े ठेकेदार ने कहा कि आपको छुट्टी दे दी जाएगी, बस एक छोटा सा और प्रोजेक्ट बाकी है, थोड़ा सा एक काम आया है वो बाकी है, उसको पूरा कर लेते हैं दोनों मिल करके, उसके बाद छुट्टी ले लेना। उसने कहा ठीक है। अब बहुत साल बीत गए थे, मन भी नहीं होता था कि कुछ काम करें, चलता रहा ऐसे ही धीरे 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 धीरे, और फिर वो प्रोजेक्ट भी आ गया। तो छोटे ठेकेदार ने क्या किया कि वो काम बहुत ही अनमने ढंग से शुरू किया, शुरुआत में ही जब नींव डालना था तो भी ऐसे ही लोकल छड़ सीमेंट जैसे तैसे काम पूरा करना यही भाव से पूरा काम तैयार करने लगा। धीरे 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 मकान बड़ा हुआ, बनते गया, काम में कोई मन नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, ऐसे ही धीरे 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 करते करते पूरा जब मकान बन करके तैयार हुआ तो फिर अपने बड़े बॉस को कहता है कि साहब अब ये मकान तैयार हो गया है और मैं छुट्टी चाहता हूँ। कहा ठीक है, छुट्टी दे दी जाएगी, लेकिन अगले संडे को मैं चाहता हूँ कि इतने दिन तक हम दोनों साथ में रहे हैं तो आपकी विदाई पार्टी हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अनेक अपने जितने जान पहचान परिचित के जितने लोग थे सबको बुलाया गया, रविवार का दिन शाम का समय बहुत ही अच्छा माहौल, सबके बीच ऐसे ही बातचीत होती रही कि बहुत दिनों तक मेरे भाई के समान मेरे साथी मेरा बहुत साथ दिए, सहयोग दिए, आज उनकी विदाई है और इस विदाई के समय में मैं जो अभी अभी बिल्डिंग बनकर तैयार हुआ है ये उन्हें सौंपता हूँ और उस मकान की चाबी उन्हें देते हैं। सोचिए अब उसको कैसे लगा होगा, पूरा जीवन भर तो वही काम करते करते बीता था, अंतिम में सिर्फ एक मकान बनाना था और वो अनमने ढंग से बनाया था। अब वो कहता है काश मुझे पता चला होता कि ये मकान मुझे मिलने वाला है तो आज तक जिंदगी में जैसा भी मकान बनाया सबसे अच्छा मकान इसे ही बनाता। हम सबकी भी यही दशा है, जब हम सबका जब जाने का वक्त आता है लगता है कि उम्र अब छोटा पड़ने लगा है, कम पड़ने लगा है, तब हमारे दिमाग में हैम्बर लगता है, तब हमारे दिमाग में चोट लगता है, अरे ये जो जिंदगी जो मिली हुई थी अब तो ये जाने वाला है, ये छूटने वाला है, तब अकल आता है कि मुझे क्या करना चाहिए था, कैसे करना चाहिए था, मैंने किससे लड़ाई किया, किससे झगड़ा किया, तब अकल आता है। और फिर सतगुरु कबीर कहते हैं अब पछताए होत क्या जब चिड़िया झुक गई खेत। हम सबको चाहिए कि हमारे जीवन का ये अंतिम पड़ाव है, यहाँ पर हम सब जितने बैठे हैं उसमें तो सबसे उम्र में सबसे छोटा तो मैं ही हूं, फिर भी गुरुदेव की कृपा संतों की कृपा ऐसी बनी रही कि मुझे अवसर मिला, एक सौभाग्य समझता हूं मैं अपने जीवन का,
उनके समक्ष जाकर के उनके साथ रहने का अवसर मिला। सदगुरु कबीर को तो हम देखे नहीं थे, उनके बारे में सिर्फ हमने संतों से सुना, संतों के बारे में और गुरुदेव जी ने जो पुस्तकें लिखी उससे हम सदगुरु कबीर के जीवन को जान पाए। किंतु गुरुदेव सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी वे तो हमारे समक्ष थे। उनको जीवन को जब भी मैं देखा करता था तो लगता था कि हाँ ऐसे संत होते होंगे जिन्हें हम सदगुरु कबीर कहते हैं, ऐसे रहे होंगे वे, या ईशा कहे जिसको कहते हैं हम ईशा, या मोहम्मद, जितने भी बड़े बड़े नाम जिनके बारे में हम अनेक चर्चाएं सुनते हैं कि उनके अंदर ये गुण था, ये भाव था, ये उनका हृदय था करुणामय हृदय, तो ये लगता था कि गुरुदेव जी के अंदर वो सारे गुण समाहित थे। हम सबको भी चाहिए कि हम अपने जीवन को वैसा बनाने का प्रयास करें। हाँ, यह हो नहीं सकता कि हम उनके जैसा बन पाए क्योंकि वे तो दुनिया में अद्वितीय थे, किंतु हम उनके एक ही पदचिन्ह पर अगर चलकर अपने जीवन को सफल बना लें तो यही हमारे जीवन की सच्ची सफलता होगी। हम सबको भी चाहिए कि हम उनके जीवन को देखें। जीवन को देखने का मतलब है उनके द्वारा जो बनाए गए ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, या उनके प्रवचनों के आज भी सीडी, कैसेट्स, वीडियो इत्यादि बहुत कुछ उपलब्ध हैं, जिनको हम सुन करके, जिनको हम पढ़ करके अपने जीवन को संवार सकते हैं। तो मैं कह रहा था कि हम अपने जीवन को संवारने का काम करें। जीवन को संवारने का मतलब क्या है? जीवन को संवारने का मतलब क्या है? एक इंसान होता है, कहता है भाई हमको मूर्ति बनाना है, तो मूर्तिकार के पास एक पत्थर ले जाकर रख देता है और वो कि क्या करता है, छीनी और हथौड़ी लेकर के छीलते उसके अंदर एक मूर्ति का रूप निकाल देता है। वो कहीं बाहर से ला के डालता नहीं है, उसके गलत अंशों को बाहर कर देता है। वैसे ही अपने जीवन को संवारने का मतलब है कि हम अपने अंदर के बुराइयों को काट करके, छिल करके, उसको साफ करके निकालते जाएं और निकालते अपने जीवन को निखार लें। यही तो जीवन की निखार है। हम ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं? ध्यान में जब हम बैठते हैं तो अपने मन को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं कि मुझ में क्या कमी है, मेरे जीवन में क्या ऐसी चीज़ है जो मुझे दुख देती है, क्या ऐसी बात है जो मुझे हमेशा पीड़ित करती रहती है। उन चीज़ों को फिर हम निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे एक छोटी सी बात, हम सब ध्यान में बैठ गए, मान लो हमारा ध्यान लग ही गया, तो हमारे मन में होगा क्या कि बार बार बीते हुए समय में कुछ गलतियां हो गई, कुछ पश्चाताप हो गया, तो वो बातें हमारे बार बार मन में याद आते हैं कि मैंने किसी व्यक्ति के साथ ऐसा कर दिया, या किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो ये बातें बार 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 याद आती हैं। अब क्या करना है? उसको दूर करना है। तो हमारे संत गुरुजन कहते हैं कि जिस चीज़ को आप बार बार याद करोगे वो बार बार तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा। जिस चीज़ को तुम बार बार याद करोगे वही चीज़ बार बार तुम्हारे दिमाग में आता रहेगा। जैसे एक दो पेड़ लगे हों, एक को चाहते हैं कि मैं ये पेड़ को फले फूले और दूसरा पेड़ है वो कांटे का है उसको ना फूले, तो आप क्या करेंगे? जिस पेड़ को आप चाहते हैं कि इसका फल मुझे मिले उसमें क्या करेंगे? आप रोज सिंचाई करेंगे। और जो पेड़ है उसको आप नहीं चाहते उसमें क्या करेंगे? उसमें कभी सिंचाई नहीं करेंगे। तो वैसे ही हमारे दिमाग में है, हम चाहते हैं कि हमारे मन में अच्छे विचारों को, हमारे मन में हमेशा अच्छे विचार आते रहें। हमें क्या करना होगा? अच्छे विचारों को रोज याद करना है, रोज उसको अपने अंदर इनपुट करना है, रोज अपने अंदर अच्छे विचारों को डालते जाना है। दुख की बात तो ये है कि हम सब जो सोचते हैं ना वो हमेशा गलत चीज़ों को सोचते जाते हैं। रोज हम क्या सोचते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही मेरे माँ बाप ऐसा क्यों किए, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ऐसा ही क्यों किया, लोग और समाज के लोग मेरे लिए ही ऐसा क्यों सोचते हैं। ये सारे जितने कीड़ा है, ये हमारे दिमाग का कीड़ा है, और यही हम अपने दिमाग में डाल डाल करके अपने दिमाग को खोखला बना लेते हैं। हमको क्या करना चाहिए? सुबह उठिए, एक अच्छे संत का प्रवचन लगा दीजिए और आप सुनते सुनते अपने नित्य क्रिया करिए। अब जब आपके दिमाग में अच्छे बात जाते लगेगी तब आपको क्या सोच मिलेगा? मेरा जीवन सुंदर बने, मेरा जीवन स्वच्छ हो, मेरे से किसी के लिए कोई पीड़ा भाव ना हो, किसी को मैं दुख ना पहुंचाऊं, ये बात याद आएगी।
जब ये बात याद आएगी तब हमारे अंदर क्या होगा, हमारा मन भी फलने फूलने लगेगा। मैंने कहा ना, जिस पौधे को आप चाहते हैं उसमें पानी देना शुरू कर दीजिए। आप जैसा जीवन चाहते हैं उस जीवन के बारे में अनुभव करना शुरू कर दीजिए। ये हमारे साइकोलॉजी का एक फंडा है, एक ट्रिक है कि आप जिस चीज को अपने मन में रखना चाहते हैं, आप अपने मन में जिस चीज को रखना चाहते हैं उस चीज को बार बार दोहराते रहिए। जैसे हम बचपन में खाना शुरू किए, जब पहली बार आप अपने हाथ से कौर उठाए होंगे भोजन करने के लिए, पहली बार आप अपने हाथ से उठाए होंगे तो क्या साहब पूरे के पूरे दाने आपके मुंह में गए होंगे? चार दाना मुंह में और आठ दाना नीचे जमीन में। फिर क्या किए? फिर उठाए, फिर डाले, फिर उठाए, फिर डाले। और आज आपको अंधेरे कोठरी में भी बैठा देना तो आप पूरा भोजन अच्छे से कर लेंगे। तो क्या हुआ, हमने रोज अभ्यास किया, रोज अभ्यास किया, रोज आदत हमारी बनती गई और फिर हम अच्छा जीवन, अच्छा ढंग, अच्छे ढंग से भोजन करना सीख गए। वैसे ही जिन विचारों को हम चाहते हैं कि हमारे दिमाग में ये विचार आए, जिन बातों को सोचते हैं कि हमारा जीवन ऐसा बने, उन विचारों को, उन तस्वीरों को, उन प्रशिक्षणों को बार बार अपने जीवन में लाएं। इसीलिए तो संतजन क्या करते हैं, बार बार हर महीने आपके यहाँ सत्संग होता है। क्यों होता है? आप महीने भर में जितना भी गंदगी इकट्ठा किए हैं एक दिन आकर के धो लीजिए। घर में तो क्या करते हैं, रोज झाड़ू लगाते हैं, लेकिन सत्संग के लिए रोज नहीं कर पाते। अरे भाई रोज नहीं कर पाते, कम से कम एक महीना में कर लो, एक महीना में नहीं होता तो दो महीना में कर लो। लेकिन यहाँ तो कई लोग ऐसे हैं जो बरसों बरसों से नहीं किए हैं, सोचो उनके अंदर कितना कीड़ा भर गया होगा। जब कोई गंदा नाली हो उसमें एक कीड़ा पैदा हो गया तो कितना कीड़ा पैदा होगा कुछ दिन के बाद। और अगर उसी नाली को अगर रोज साफ करते हैं तब वो नाली कहलाने लायक नहीं रहेगा, वो एक अच्छा नहर बन जाएगा, है कि नहीं? तो वैसे ही अपने जीवन को, अपने दिमाग को रोज सफाई करने की जरूरत है। और सफाई क्या है, आप कपड़ा तो साबुन से लगा धो लेते हैं, पानी से धो लेते हैं, लेकिन मन को कैसे धोएंगे? मन को ज्ञान का साबुन से धोना है। ज्ञान का साबुन लाए न धोए सत्संगत की पानी। तो हमें ज्ञान का साबुन लगाना है अपने मन में। रोज संतों के विचारों को अपने दिमाग में डालते जाएं, डालते जाएं, डालते जाएं। फिर क्या होगा, जब अच्छे विचार जहां इकट्ठे हो जाएंगे ना, बुरे विचार अपने आप दूर होते जाएंगे। जिन विचारों को आप बार बार दोहराते रहेंगे वो विचार आपके जीवन में पुष्पित और पल्लवित होंगे। और जो विकार विचार हैं, जो खराब विचार हैं, वो तो धीरे 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 सुप्त होकर के खत्म हो जाएंगे। तो अपने हमारे जीवन को सुधारने के लिए करना क्या है, हमारे जीवन को सुधारने के लिए रोज अच्छे ग्रंथ पढ़ना है और अच्छे प्रवचनों को, अच्छे सदग्रंथों को, अच्छे लोगों के विचारों को सुनते जाना है। हमारे जीवन में ग्रहण के कितने साधन हैं? आँख, नाक, कान, जीभ, चांग, यही तो हमारे जीवन में ग्रहण के साधन हैं, जिससे हम लेते हैं, जिससे चखते हैं, जिससे खाते हैं, जिससे पीते हैं, जिससे सुनते हैं, जिससे बोलते हैं। ये सब क्या है, हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी इंद्रियों के माध्यम से हम अच्छे काम भी कर सकते हैं और इसी इंद्रियों के माध्यम से हम बुरे काम भी करते हैं। अब हमें ज़रूरत क्या है, हमें सोचने की ज़रूरत है कि कौन सा काम अच्छा है, कौन सा काम बुरा है, और फिर अच्छे काम को करते चलिए, बुरे काम को छोड़ते जाइए। बस साफ शब्दों में कहूँ तो हमारे जीवन को जीना बहुत कठिन नहीं है, अपने जीवन को जी लेना बहुत कठिन नहीं है, लेकिन हमने रोज कठिनताओं को जीवन जीना शुरू कर दिया है। कैसे, रोज आपको झूठ ना बोलो तो आपको सरल है कि नहीं है? कभी झूठ मत बोलो, ये सरल है, लेकिन हम लोग आदि क्या हो गए हैं, हमेशा झूठ बोल रहे हैं। तो हम लोग को झूठ बोलना आसान लगता है और सत्य बोलना बहुत बड़ी चीज लगती है, लेकिन है क्या, आपने एक सत्य बोला, सत्य हमेशा सत्य रहेगा, वो कभी उसके लिए कोई लाग लपेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक झूठ बोले तब, एक झूठ बोलने के लिए आपको 10 झूठ और बोलना पड़ेगा, लेकिन वो आपको सरल लगता है और एक सत्य बोलना कठिन लगता है। इसीलिए संत जन कहते हैं कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय पाप। तो हमें सत्य का सहारा लेना है हमेशा। आज उठे सुबह एक संकल्प ले लीजिए, आज मुझे हमें दिन भर
सत्य बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे झूठ बोलना ही नहीं है। फिर दूसरे दिन संकल्प लीजिए कि आज मुझे कभी किसी को भी थोड़ा भी दुख नहीं देना है, थोड़ी भी तकलीफ नहीं देना है। ऐसे करते करते रोज, मैं तो कई बार अपने साथियों को यहाँ तक ये भी ट्रिक देता हूँ कि आपके जीवन में क्या गलतियाँ हैं उनको एक पन्ने में लिख लीजिए, और आपके जीवन में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं उसको एक पन्ने में लिख लीजिए, और उसके बाद फिर जो बुराइयाँ हैं उनको आज उठाइए, आज मेरे में ये गलती है, इसको दो दिन के अंदर इसको ख़त्म करना है। आज तक मैं रोज गाली देता था, आज मैं किसी को गाली नहीं दूंगा। ये संकल्प ले लीजिए, दिन भर आप जो काम करते हैं कहिए, और याद रखिए कि आज मुझे गाली नहीं देना है, आज मुझे गाली नहीं देना है। जैसे उपवास रहते हैं तो क्या याद आता है आपको, आज मैंने भोजन नहीं किया है। दिन भर में 50 बार याद आएगा कि आज मैंने भोजन नहीं किया है कि नहीं। वैसे ही आप जब शुरू से संकल्प लेंगे ना कि आज मुझे गाली नहीं देना है, आज मुझे झूठ नहीं बोलना है, दिन भर आपको याद रहेगा कि आज मुझे किसी को गाली नहीं देना है, आज मुझे किसी को झूठ नहीं बोलना है। तो फिर क्या होगा, दिन भर आप काम करिए और रात में जब बिस्तर में जाए ना सोने के लिए, तब आप पूरा एनालिसिस करिए, पूरा विवरण देखिए कि मैंने आज किसको गाली दिया, किसको झूठ बोला, किसको क्या बोला। देखेंगे ना तो पता चलेगा, कल तक आप अगर 100 झूठ बोलते थे, 100% है कि आप 75 झूठ में आ गए होंगे। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, आप दूसरे जब ये करेंगे ना तो हमेशा ये होगा कि आपका झूठ या कोई गलती बढ़ेगी नहीं बल्कि कम होगी। और फिर उसको रोज अप्लाई करिए, रोज काम करिए, आज मेरा 75 हो गया, कल फिर करिए फिर 50 हो जाएगा, फिर करिए फिर 25 होगा, फिर करिए। एक दिन ऐसा आएगा कि आपके जीवन में कभी गाली अगर कोई दे ना तो आपको लगेगा अरे अरे गाली देता है। और ये सच्ची घटना है, हम लोग भी जब स्कूली लाइफ में थे ना, आपकी यही शकुंतला विद्यालय में पढ़ा हूँ, वहाँ हम लोग भी हमेशा गाली से बात करते थे जब लड़के थे, बच्चे थे तब। वहाँ सब तो कहूँ अच्छे, क्या कहते हैं ना, अमीर बाप के गरीब बेटा, तो वहाँ ऐसे नहीं थे, गरीब बाप के अमीर बेटा थे वहाँ लोग। तो वहाँ ऐसे लोग थे कि है अच्छे घर के लेकिन लड़के हैं बिगड़े नवाब, हमेशा गाली से बात करना। स्कूली लाइफ में आजकल तो बहुत ज़्यादा, इतना बिगड़ा हुआ माहौल है कि पूछो मत, हमेशा गाली से बात करते थे। मेरी भी आदत हो गई थी, लेकिन जब आश्रम गया और संतों से जुड़ने लगा, धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही मैंने अपने गलतियों को दूर किया है। गुरुदेव जी सतगुरु श्री रामदास साहब जी के जब शरण में मैंने गया तो मुझे तो ब्रश करना नहीं आता था, मुझे ब्रश कैसे किया जाता है गुरुदेव जी ने सिखाया, मुझे झाड़ू कैसे लगाया जाता है गुरुदेव जी ने मेरा हाथ पकड़ के सिखाया कि बेटा झाड़ू ऐसे लगाया जाता है, हर एक चीज, कैसे कपड़ा धोना है, कैसे संतों के साथ बात करना है, कैसे किसके साथ बोलना है, कब अदब रखना है, कब किसके साथ कैसे बात करना है, हर एक चीज संत गुरुजन सिखाते हैं। उन चीजों को सीखना है, जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने की कला, ये दोनों बहुत अंतर है। हम लोगों को सुनने से लगेगा जीवन जीने का तरीका और जीवन जीने की कला एक ही है, लेकिन अंतर है क्या। तरीका तो हर इंसान के पास मिल जाता है, माँ बाप आपको तरीका दे देते हैं, लेकिन कला एक्सपर्ट बहुत कम लोग हो पाते हैं। दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, हम सब बचपन से बोलना सीखे हैं, है कि नहीं, बचपन से सीखे हैं बोलना, लेकिन आज तक बहुत से लोगों को क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए पता नहीं। कितना वर्ष हो गया हमको, अनेक साल बीत गए हमें, बहुत अब तो अधेड़पन आ गया हमारा, लेकिन फिर भी आज हमारे मुख से गलतियां, गंदी गालियां निकलती है। क्यों? क्योंकि हमने कभी उसके विषय में सोचा ही नहीं, कभी उसे दूर करने का सोचा ही नहीं। हमें भूख लगती है तो भूख मिटाने के लिए हमने जीवन भर प्रयास किया और रोज हमारा भूख मिट जाता है, लेकिन कभी हमने अपनी गालियों को, अपनी गंदी आदतों को दूर करने का प्रयास किया नहीं किया। और यही कारण है कि आज हमें दुख होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। हर इंसान के जीवन में दुख और तकलीफ आते हैं, हर इंसान के जीवन में आता है, लेकिन उसे उस दुख से, उस कष्ट से निपटने का तरीका बहुत कम लोगों को पता होता है, बहुत ही कम लोगों को उससे निपटने का तरीका पता होता है।
और उस इंसान को पता चल जाता है जो सत्संग करता है, जो संतों के साथ बैठता है, उसे हर दुख से निपटने का तरीका मिल जाता है। इसीलिए मैंने कहा ना, दुख जीवन जीने का तरीका घर परिवार और संसार में मिल जाता है, लेकिन जीवन जीने की कला जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं से प्राप्त होती है। तो हमें संतों के पास जाना है, संत जन एक्सपर्ट होते हैं इसके विषय में, वो कैसे जीवन जीना है, अपने मन को कैसे संवारना है, अपने जीवन को कैसे सुधारना है, वो जानते हैं। तो मैं कह रहा था कि अपने विचारों को, अपने गंदी आदतों को, अपने गलत आदतों को एक कागज में लिखिए और उसको रोज प्रतिदिन उसको सुधारने का काम करिए। जीवन को सुधारना सरल नहीं है और कठिन भी नहीं है। सरल इसलिए नहीं है क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे आप अपने जीवन को नहीं सुधार सकते, और कठिन इसलिए नहीं है क्योंकि आप अगर करने लग गए तो ये जीवन आपका भी सुंदर और सुव्यवस्थित हो सकता है। मैं और अधिक कुछ न कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की जय।